अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं कपड़े धोने से। तो आज मैंने लगा ली है मशीन, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दिया है पहले, और उसके बाद में मैंने एक ढक्कन डाला है ये लव एंड केयर एक्सपर्ट केयर वॉश, और ये लिक्विड सोप है और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, मैंने बताया भी था पहले आपको। और बस एक ढक्कन डालने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है कपड़ों में। तो मैंने स्विच कर लिया है ऑन और ये मैं पानी डाल रही हूँ मशीन में, और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे, 3 से 4 दिन हो गए थे कपड़ों को मैंने धोया नहीं था तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। ये देखें पूरा ढेर लग चुका है कपड़ों का, तो आज मैं सारे कपड़े धो डालूंगी। और ये मैं सबसे पहले डालूंगी वाइट शेड वाले सारे कपड़े जो कलर नहीं छोड़े। और ताकि एक दूसरे का कलर किसी कपड़े पर ना आए इसलिए मैं पहले जल्दी जल्दी से कपड़े डालते जाऊंगी। और कपड़े इतने सारे हो गए थे कि मुझे 2-2.5 घंटा लग गए थे इन्हें धोने के लिए। और बेडशीट्स भी 2 से 3 बेडशीट्स मेरी हो गई थी धोने के लिए। और ये थे कपड़े जिसमें से आधे मैं धो चुकी हूँ, आधे अभी भी पड़े हैं बाकी। और जब भी हम 2-3 दिन कपड़े नहीं धोते हैं तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए ही मैं जल्दी जल्दी कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ, ज़्यादा दिन इकट्ठा नहीं करती हूँ कपड़ों को। और ये मेरे कपड़े ज़्यादातर धुल चुके हैं, थोड़े बहुत कपड़े मेरे रह गए थे। और मशीन मैंने मॉर्निंग में ही लगा ली है, और काफ़ी जल्दी से मैंने मशीन लगा ली थी ताकि सुबह ही मैं कपड़े वाला ये काम जो है कपड़े धोने का ख़त्म कर लूं। और मुझे फिर भी थोड़ा टाइम लग गया था कपड़े धोने में क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और मेरे हस्बैंड भी वेट कर रहे थे कि मैं जल्दी से कपड़े सारे वॉश कर लूं, फिर उन्हें नहाने के लिए जाना था। तो अभी मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे और मैं ड्रायर कर रही हूँ कपड़ों को, और इसके बाद में मेरे हस्बैंड भी नहाकर जा चुके थे। और मेरे बेटे की आज छुट्टी थी तो उसको भी मैंने नहला दिया था, फिर उसके कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए थे हैंड टू हैंड ताकि फिर से कपड़े इकट्ठा ना हो। सारे कपड़े मैंने ऑलमोस्ट धो दिए हैं और ये देखें कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं ड्रायर होके। और अब मैं इन्हें सुखाने के लिए डालने जा रही हूँ। और साथ ही मैं मशीन को भी वॉश कर लूँगी, उसमें जितना भी पानी उसमें रह गया था वो भी मैंने सारा निकाल दिया है ड्रेन करने के बाद, और फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैं इसमें पानी मशीन में नहीं छोड़ती हूँ नाइट टाइम में, जितना भी मुझे कपड़े धोने होते हैं उतना ही उसी हिसाब से मैं पानी वगैरह डालती हूँ, उसी दिन कपड़े वॉश करके और ये सारा पानी निकाल देती हूँ, कभी भी पानी मैं भर के मशीन में नहीं छोड़ती हूँ। और ये मैंने मशीन को अच्छे से धो दिया है गंदा वाला पानी निकालने के बाद, अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने एक कपड़ा अलग से बनाया हुआ है मशीन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो स्पॉट्स पड़ जाते हैं मशीन पे, तो मैं फौरन हैंड टू हैंड क्लीन करके रखती हूँ मशीन को। तो कुछ कपड़े ड्रायर रह गए थे इसमें हो रहे थे ड्रायर, तो मैंने वो भी निकाल लिए हैं और अब मैं इसे कवर कर दूँगी वापस से क्योंकि कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। और सर्फ़ के डिब्बे में मेरा सर्फ ख़त्म हो चुका था तो मैंने सर्फ उसमें भर लिया है, और काफ़ी दिन के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ। 1 kg का मैंने पैक इसमें डाला है और इसमें आराम से आ जाता है 1 kg। और अपने बेटे की और मेरी जानमाज़ को मैंने रात में ही
धोकर सुखा दिया था ईशा की नमाज़ के बाद, वो मैं अलग से वॉश करती हूँ उनको। और ये सभी कपड़े मैं सुखाने के लिए डालने लगी हूँ, और जितने कपड़े यहाँ पर आ सकते हैं मैं उतने कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। बाकी जो कपड़े मुझे छत पे सामने डालने हैं वहाँ पे मैं उन कपड़ों को उल्टा करते जाऊँगी और एक साइड पर रखते जाऊँगी खिड़की में। और जो हल्के कपड़े हैं वो मैं यहीं पर डालूँगी, और जो जीन्स वगैरह हैं बेडशीट्स हैं वो सब मैं छत पर सूखने के लिए दे दूँगी। और ये बेडशीट्स वगैरह मैंने डाल दी हैं सामने वाली छत पर, और एक बेडशीट रह गई थी इनको मैंने उल्टा करके दे दिया है। और ये सारे कपड़े मैंने जो ये विंडो में डाले हैं ये सारे कपड़े हैवी वाले हैं जो कि मुझे छत पे डालने हैं, और जो लाइट लाइट वाले सारे कपड़े हैं वो मैं यहीं पर डालूँगी। और घर भी सारा भी बिखरा हुआ था, अभी मुझे लास्ट में मैंने पूरे कपड़े वगैरह सुखाने के डालने के बाद उसके बाद में मैंने क्लीनिंग की थी घर की, और जो कि मैं वीडियो में नहीं आज ऐड कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो कपड़े धोते टाइम भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और सारे कपड़े धोने के बाद और मैंने अपने बेटे को भी नहलाया था, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट पूरे कपड़े धोने के बाद में मैंने भी नहा लिया था। और अब ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ शाम का रूटीन, और रेसिपी में बनाने लगी हूँ बेसन की दही पकौड़ी या दही फुल्की भी आप बोल सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। कुछ टाइम से मैं खा नहीं पा रही थी ये सब चीज़ें, बट मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था ये बनाने के लिए। ये वाली रेसिपी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दही मंगवा के रख लिया था, और दही मैंने बाहर से मंगवाया था इसलिए क्योंकि मैंने दही इतना सारा नहीं बनाया था घर पर, थोड़ा दही था वो कम पड़ जाता है इसलिए मैंने बाहर से मंगवाया था दही। और इसको बनाने का भी मेरा अचानक से बहुत ज़्यादा मन हुआ और मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ, तो मैंने दही बाहर से ही मंगवा लिया था, अच्छा वाला दही, मीठा वाला। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ अगर आप बोलेंगे तो। और ये मैंने इसका बैटर बना लिया है, और मैं इसकी पकौड़ियाँ फ्राई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था तो इसलिए मैंने कचरियों को फ्राई कर लिया है, और उसके बाद में मैंने पकौड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। और ये मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, ना मैंने हाई किया है ना बिल्कुल मैंने लो पे रखा है, फ्लेम को मैंने मीडियम करके रखा है, और धीरे धीरे मैं पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। और मैंने कुछ पकौड़ियाँ फिर इफ्तार के लिए भी इसमें से निकाल ली थी, इसी में से अलग से नहीं बनाई थी मैंने, इसी बैटर की पकौड़ियाँ मैंने इफ्तार के लिए भी रख दी थी, और ये काफ़ी टेस्टी लग रही थी क्योंकि मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च हरा धनिया वगैरह कट करके इसमें डाला था। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देते हैं कभी कभी, और वो आज शरबत बना रहे हैं मोहब्बत का, और उसके बाद में फ्रूट्स वगैरह वो ही कट कर रहे हैं, और मैं ये सारे काम कर रही थी इतने, और मैंने ये पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। अब पकौड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मैंने इफ्तार के लिए भी इसी में बैटर एक्स्ट्रा बना लिया था, इसलिए पकौड़ियाँ कुछ ज़्यादा हो गई थी। और साथ में मैंने दही ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और उसके बाद में अच्छे से मैंने फेंटने के बाद में उसमें 2-3 चम्मच तो मैंने थोड़ी चीनी ऐड कर ली थी, और दही अच्छी वाली थी तभी भी
फिर भी मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच चीनी ऐड करती हूँ इसको बैलेंस करने के लिए, और काफ़ी अच्छा इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने इसमें फुलकियाँ डाल दी हैं, पकौड़ियाँ, और थोड़ी देर में इनमें सोक करके रखूँगी। और दही को मैंने थोड़ा पतला रखा है, क्योंकि जो पकौड़ियाँ जब हम इसमें डालते हैं तो वो सोक कर लेती हैं दही को, इसलिए थोड़ा हमें पतला रखना होता है। और ये मैंने बहुत ही कम ऑयल में तड़का लगाया है, मस्टर्ड ऑयल में, और ज़ीरा और हींग का मैंने इसमें तड़का लगाया है। और करी पत्ता मैं भूल गई थी ऐड करना, क्योंकि टाइम और भी काम करने थे मुझे बहुत सारे, जल्दी में मैं भूल गई थी। और उसके बाद में ये मैंने थोड़े से प्याज कट किए थे, मैंने कुछ प्याज के लच्छे इस तरह से कट करके और इसमें ऐड करती हूँ। और साथ में जब हम इसे खाते हैं, इसे रोटी के साथ भी मैंने खाने के लिए बनाया है, और ऐसे भी हम इसे खा सकते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। ये देखें अफ्तारी हमारी रेडी है, और ये देखें फ्रूट्स वगैरह हमने कट कर लिए हैं, और थोड़ी कचरी भी मैंने फ्राई की थी, और ये पकौड़ियाँ भी मैंने बनाई हैं, और ये है मोहब्बत का शरबत जो मेरे हस्बैंड ने बनाया है बहुत ही मोहब्बत से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये शरबत बन के तैयार हुआ था। और इसमें हमने बीज भी डाले थे, इसमें चिया सीड्स ऐड किए थे, सबजात मलंगा के बीज भी इन्हें बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, तासीर इनकी काफ़ी ठंडी रहती है, तो ये भी इसमें ऐड किए थे। और ये छोले मेरे पास रखे हुए हैं, और ये मैंने बनाए नहीं हैं, तो ये भी मैंने रख लिए थे, और सबसे ज़्यादा ये टेस्टी बनकर रेडी हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे थे दही फुल्की। और ये तैयार हो चुका है हमारा, टाइम हो गया है, तो हम तैयार कर रहे थे साथ में। और आज मैंने पकौड़ी भी खाई है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्यास की ज़्यादा शिद्दत होती है रोज़े में, भूख का इतना पता नहीं चलता है, भूख इतनी महसूस नहीं होती है, बट और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और ये मेरे हस्बैंड चले गए थे वज़ू करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे वो, तो वज़ू घर से ही करके जाते हैं। और अभी ये मेरे बेटे का टर्न था पकौड़ियाँ खाने का, जो उसकी फेवरेट हैं, और इतनी गंदी तरह से पकौड़ियाँ कौन खाता है ज़रा बताना, सॉस के साथ। और मेरे बेटे को सॉस इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है, वो आप खुद ही देख सकते हैं, ये देखें वो अपना पेट भी ख़राब कर चुका होता है कई बार सॉस खाकर, और इसलिए मैं कम ही सॉस निकालती हूँ। और आज भी मैंने थोड़ी सी सॉस ली थी उसमें, बट लास्ट में बची थी, तो उसने पकौड़ियों को लिटा लिटा कर खाया है, ये देखें इतना उसको सॉस पसंद है, बहुत ज़्यादा। कमेंट्स करके बताना किस किस के बच्चों को सॉस इतनी पसंद है, सॉस जैम और ये सब चीज़ें पसंद है मेरे बेटे को, इसमें सॉस नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए वो मैं दूंगी भी नहीं और सॉस, क्योंकि पेट ख़राब हो जाता है बच्चों का ज़्यादा सॉस खाने से, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही उसको सॉस दी थी, तो उसी में, और उसको बहुत यमी लग रही थी वो, और वो नमाज वगैरह से फारिग होकर उसके बाद पारा पढ़ने के बाद, और ये हम ईशा की नमाज़ से भी फारिग होने के बाद में मैंने जितने भी कपड़े वॉश किए थे वो सारे सूख चुके थे, और ये मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए थे, सूखते जा रहे थे, मैं एक जगह इकट्ठा करते जा रही थी। और ये मैं अब तय करने लगी हूँ, जो कपड़े आयरन के हैं वो उन्हें मैं अलग रख लूँगी, और जो आयरन नहीं होने हैं वो मैं एक साइड पर रखती जाऊँगी, तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे।
और तीन चार अलग पार्ट में डिवाइड करा था मैंने इन कपड़ों को। आयरन वाले और बिना आयरन वाले और बेडशीट्स वगैरह, पिलो कवर्स, टॉवल और ये सब चीज़ें, और मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे और मेरे बेटे के सब अलग अलग करके मैंने रखे हैं। और आयरन मुझे अभी भी मैंने नहीं किया, काफ़ी सारे आयरन के कपड़े फिर से इकट्ठा हो चुके हैं, जिसमें इसमें आधा कपड़े तो मिनिमम आयरन के हैं नहीं, बेडशीट्स वगैरह हैं, पिलो कवर्स हैं, टॉवल हैं, और मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं जो आयरन वाले नहीं हैं। और मैंने ज़्यादातर कपड़े ऐसे निकाल लिए हैं जो मुझे आयरन कम कपड़ों पे ही करनी पड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है कि आयरन करते टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो करूँगी इंशाल्लाह, ज़्यादा कपड़े फिर से इकट्ठा नहीं होने दूँगी इतने जितने पिछली बार हो गए थे। ये सब चीज़ें, नाइट वगैरह के लोवर्स वगैरह, उनको भी मैं एक साइड पर रखते जा रही हूँ। और ये बेड शीट्स जो मैंने वॉश की थी, इन्हें भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और कपड़े इतने सारे थे कि फोल्ड करने में भी काफ़ी सारा टाइम मेरा लग गया था। ये देखें, और पीछे भी कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े गिर गए थे ज़्यादा। और ये मैंने पीछे बास्केट में डाल दिए हैं आयरन वाले कपड़े, और ये सारे कपड़े जो आयरन मुझे नहीं करने हैं, ये मैं अभी हैंड टू हैंड सेट करूँगी अलमीरा में। और ये मैं सारे कपड़े सेट करती जा रही हूँ, ये मेरे बेटे के कपड़े मैं सेट करने लगी हूँ, अपने कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और ये गेंद फिर से मेरे कपड़े हैं, और ये बेड शीट्स और पिलो कवर्स वगैरह हैं, और अपने हस्बैंड के कपड़े मैंने आयरन के लिए रख दिए हैं। और एक मेरे पास बास्केट भी है जिसके कपड़े मैं सबसे लास्ट में सेट करूँगी। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। Wing. Dun, 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 dun.